So guys, we had come over to return the Tiger 660 Sport, and while going back, I decided to book a Rapido bike and struck a deal. I'll be riding the Rapido from a 660 Sport to the TVS Sport. Chale! Oh, bhai saab, what a... ये कैसे किक मारनी होगी? क्या बात है यार, बड़े दिनों से किक नहीं मारी. ऑन है क्या यार? तो किक ही नहीं लग रही, रेस नहीं दे रहा. लो करो. ओहो हो, बस 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 बस, झकास. वही एक नीचे सारे वापस. अच्छा, सारे बैक हैं गियर. ओए होए 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 होए, चलो. ये कौन सी है? टीवीएस स्पोर्ट. और कितने की माइलेज देती है? 80 की तो देती होगी कम से कम. अरे पैसे की बात छोड़ो तुम. अरे भैंचो, ब्रेक कैसे लगेगी इसकी? ब्रेक तो इसकी बड़ी वो है. ब्रेक कैसे लगती है? आगे वाली चलती नहीं क्या ब्रेक? अच्छा, दबानी पड़ती है तगड़ी थोड़ी. दोनों साथ में. अच्छा, दोनों साथ में चलने में तो देखो सही है, बट ये थोड़ा वो ब्रेक का समझ नहीं आ रहा कि ब्रेक नहीं दब रही. उसमें आदत है कि हल्का सा टच करो ब्रेक दब जाती है पूरी. हाँ, अच्छा अच्छा. ब्रेकिंग इज अ मेजर इशू यार. ड्रम ब्रेक्स फ्रंट एंड बैक, मूविंग फ्रॉम द निसिन ब्रेक कैलिपर्स टू दिस ड्रम ब्रेक सेटअप, वाओ. एक बार मैं ब्रेक मार के देख लूं, कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना कि ब्रेक लग रही है. अच्छा, ऐसे लग, पूरी दबानी पड़ रही है. ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया. हाँ, ये बात भी सही है, लड़की वड़की बैठती है. वेरी निम्बल मशीन, वेरी फ्लेक्सिबल आई मस्ट से. ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज, और क्या चाहिए आपको? द ब्रेकिंग is a single tap brake, not with one finger but five fingers, and the feet as well. So you have to use all your force to apply the brake and stop. Amazing mechanics in this TVS Sport. Getting from a Tiger 660 Sport to the TVS Sport. Are bhai ruk ja. ये आगे पावर वाला स्विच क्या बताता है? पावर वाला बटन गाड़ी. अच्छा, पावर ले रही है. अच्छा, मतलब खेचो थोड़ी सी. और ये कहता है क्या? थोड़ी सी पावर ले रही है कि तेल एक्स्ट्रा खा रही है. अच्छा, तेल एक्स्ट्रा खा रही है, मतलब इकोनॉमी, मतलब बेस्ट माइलेज नहीं दे रही अभी. समझ गया, मतलब गियर थोड़ा सा हल्का करो तो सही चलेगी बेसिकली. अच्छा, सही. मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे तो माइलेज सही देगी, उसका कह रहा है इंडिकेशन. सो वी हैव जस्ट एग्जिटेड गुड़गांव एंड द टीवीएस स्पोर्ट इज क्रूजिंग इजिली एट अबाउट 60-70 kmph. प्रीटी स्मूथ. देर आर माइल्ड वाइब्रेशंस इन द फुट पेग. Mild is an understatement, guys, if you know what I mean. But yeah, enjoyable. जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए ऐसी बाइक चलानी चाहिए. आराम से relaxed, no issues at all. 70 touch करते ही एक sweet spot है बाइक का. उसको जैसे ही cross करोगे उसके बाद vibrations एकदम से बढ़ती हैं. झनझनाहट सी है आपकी जिस्म में जैसे ही आप TVS Sport चलाने लगते हो, एक झनझनाहट सी आ जाती है, एंड वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस समय. भैया बस टेलिंग मी कि इनके ना 1500 रुपये के कई सारे चलान आ गए हैं स्टॉप लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही. तो ही वॉज वार्निंग मी कि किसी भी रेड लाइट पे स्टॉप लाइन से आगे नहीं बढ़ना. इंजन हीट इज नेग्लिजिबल, जीरो. माइनस में है क्या थोड़ी यहाँ पे इंजन हीट? इंजन हीट ही नहीं करता क्या इन बाइक्स का? भूल गया हूँ, कॉलेज के टाइम पे चलाते थे पल्सर वगैरह, उसके बाद ऐसी बाइक चलाई नहीं है. बट इंजन हीट नेग्लिजिबल. इकोनॉमी जोन राइडिंग एक्सलेंट. जब आप फिराक चला रहे हैं भाई साहब,
ब्रेकिंग का बड़ा पंगा है विदाउट डिस्क, आगे भी डिस्क नहीं पीछे भी डिस्क नहीं। अभी थोड़ी देर पहले चला रहे थे बाइक जिसमें आगे डबल डिस्क है और पीछे एक डिस्क है, तो अ स्टार्क चेंज इन द टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग ऑफर्ड ऑन दीज टू स्पोर्ट मॉडल्स, वन द टीवीएस स्पोर्ट एंड द अदर इज अ टाइगर 660 स्पोर्ट। ये जो आते हैं ना गाड़ियों में, वजह से निकालने की हटानी पड़ेंगी, अपनी हैवी बाइक्स के लिए ठीक है, अपनी बाइक्स के लिए इस बाइक के हिसाब से तो साइड में चलो अपना आराम से, सीटिंग कंफर्ट एंड ऑल एवरीथिंग इज़ फाइन यार इन बाइक्स में। ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम होती नहीं है, हम लोगों को नशे चढ़ गए हैं बस भारी भारी बाइकें चलाने के, गंदे नशे जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेक मारने का टेस्ट होना था यहाँ पे भी ग्रीन हो गई, भगवान चाहते हैं शायद मैं ब्रेक ना मारूं। सीट हाइट तो भाई बाइक की ऐसी है कि ना चौकड़ी मार के बैठ जाओ ऐसा लग रहा है, लिटरली आफ्टर राइडिंग ऑल द बिग एडी वीज इस बाइक पे ऐसा लग रहा है ज़मीन पे बैठे हैं, छोटी चेयर नहीं होती बच्चों वाली, वो वाली फीलिंग आ रही है। दोनों ब्रेक दबा के अच्छे से पूरी जान घुटनी है ब्रेकों की, तब जाके यहाँ पे ब्रेक लगती है। हम लोगों को आदत पड़ गई है फ्रंट ब्रेक पे फुल कॉन्फिडेंस की कि फ्रंट ब्रेक टैप करो रुक जाती है भाई, रियर तो ऐसा लगता है 5% यूज़ होती है, बट यहाँ तो यार दोनों को एकदम गला घोटना पड़ रहा है, एकदम पकड़ के पीस दो सालियों को दोनों को, तब जाके ब्रेक लगती है। एनीवेज रिंग रोड पे आ गए हैं, अब भगवान की दया से किस तरह से एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाए जहाँ ब्रेक ना मारनी पड़े, ब्रेक मारने का स्यापे की टेंशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो भाई किसी तरह लाइफ अपडेट बोलूँगा मैं, राइड अपडेट तो बोलूँगा नहीं, लग रहा है ज़माने निकल गए गुड़गांव से निकले हुए। किसी तरह हम लोग DND टोल ब्रिज पे चढ़े हैं एंड अब मुझे पता लग रहा है कि ऑलमोस्ट 25-27 किलोमीटर्स चलाने के बाद के इन बाइक्स पे टूरिंग करना कितना चैलेंजिंग है, जो लोग करते हैं यार रियली उनको सलाम है, क्योंकि कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन एक चीज़ होती है, बट यहाँ ना मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए 6 फीट हाइट, बैक में हल्का सा दर्द होना शुरू हो रहा है। स्ट्रेट बैठा हूँ, हैंडल बार पोजीशन थोड़ी लो है, नॉट वो रेसिंग वाली लो, बट जनरली एक स्मॉल फ्रेम वाले बंदे के लिए बनी है बाइक ऐसा लग रहा है, 6 फीट वाले बंदे के लिए तो है ही नहीं। एंड ऊपर से जो ओवरऑल बोर्डम आ रहा है ना दिमाग में, बाइक को 60 से ऊपर चल नहीं सकती, जो पापा मम्मी कहते हैं ना स्पीड से ऊपर नहीं चलाना, वो वाली बाइक है, उससे तेज चलेगी नहीं है बाइक। झटके वगैरह एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग ट्रांसफर टू योर स्पाइन, सस्पेंशन इज एवरेज। एंड अभी तो यार अभी काफ़ी टाइम बचा है, पूरा एक्सप्रेस वे ऐसा लग रहा है उसमें तो दिन महीने साल युग निकल जाएंगे क्रॉस करते करते ग्रेटर नोएडा पहुँचने में, बट ये एक्सपीरियंस ना यार लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी होता है। पता लगता है कि ऐसी वाली बाइक्स पे जो लोग चलते हैं वो लोग क्या फील करते हैं, ऑफकोर्स उन्होंने मे बी शायद उतनी हैवी बाइक्स फील ना करी हो तो वो दर्द इतना ज़्यादा ना हो एंड वो रियलाइजेशन ना हो कि कैसी चल रही है बाइक हमारी, बट इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू राइड सच मशीन्स एंड गेट टू नो वॉट हाउ प्रिवलेज वी आर कि हम इतनी हैवी कैपेसिटी वाली बाइक्स चला पाते हैं और उनका मज़े ले पाते हैं। दिन महीने साल कट जाएंगी, ये एक्सप्रेस वे तो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। ये हालत हो गई है TVS स्पोर्ट पे यार, 80 पे चला रहा हूँ फिर भी लग रहा है ज़माने लग जाएंगे छत पहुँचने में। ओह दिमाग की दही हो गई है बाइक चलाते हुए। बाय द वे दिस बाइक हैज़ ऑलरेडी डन ऑलमोस्ट 77,000 किलोमीटर्स, सो अच्छी खासी चली हुई बाइक है ये, ऐसा नहीं है कि नई मशीन है। तो पहुँचते हैं गाइस, अभी घर तक पहुँचते हैं, एक्सप्रेस वे ख़त्म करना ही एक प्रॉब्लम हो चुकी है, वो ख़त्म करके आपसे वापस मिलते हैं अपने में, तब तक आप एक दो नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ वगैरह ख़त्म कर कर आओ, वापस मिलते हैं ठीक है। लिटरली ऐसी हालत है, फुल टक इन करके चला रहा हूँ इस बाइक को, अ व्यू ऑफ द स्पीडोमीटर फॉर यू, 80-85 km/h। अब टाइम बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है, तेज चलानी पड़ रही है, बाइक की थोड़ी माइलेज ख़राब हो रही होगी, बट क्या करूँ यार बोर हो गया मैं लिटरली, दिमाग की थही हो गई है चला के। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम एंड दिस टुक अस अराउंड 1 hour 15 minutes। सुबह आज टाइगर 660 स्पोर्ट पे 55 minutes लगे थे, सो 15-20 minutes का ही फ़र्क पड़ा यार 660cc मोटरसाइकिल और मे बी लाइक 125cc मोटरसाइकिल के बीच में, बट हियर वी आर डन विद दिस।
हो गया भैया, यही उतार देंगे बस। मैंने तो आराम से चलाई आपकी बाइक, अब इससे ज़्यादा क्या आराम से, डर तो नहीं लगा? नहीं, मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं है एक्चुअली, बड़ा डर लगता है पीछे बैठने में। आप वैसे क्या कितने एक दिन में वैसे कितनी चलाते हो बाइक? एक दिन में भैया वही निकल जाती है 150-200। 150-200, उसमें से 70 तो आज ही चला दी यही। दो राइड और करोगे जैसे रखा, एक राइड और वापस तो जाने में होगी, 150 तो हो ही गया। आप सच्ची बताना माइलेज कितनी देती है बाइक वैसे? 70 तो देती होगी देखो, 65 से 70। सही है, है? ये कितने सीसी है? 150 सीसी के? 125? 110 सीसी। ओके सही है। सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर राइड ऑन द टीवीएस स्पोर्ट 110 सीसी मशीन। In the morning when I went to Gurgaon from here, it took me about 55 minutes. On the TVS Sport on the way back, it took me about 1 hour 15 minutes. So not much of a difference, but थकान अच्छी खासी हो गई ऐसा जैसा आप लोगों ने देखा। थोड़ी बोरिंग राइड हो जाती है, बट ये लोग चलाते हैं डेली, सल्यूट है इनको। एनी वेज आई थॉट आई एक्सपीरियंस दिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इससे पहले लास्ट टाइम जब मैंने छोटी मिड स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल चलाई थी, वो थी पल्सर 150 जो मेरे पास थी। सो उसके बाद दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। सो लेट मी नो इफ यू लाइक दिस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ वीडियो दैट आई मेड टुडे, एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।